दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को वनडे का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक की जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका की धरती पर T20 सीरीज को 1-1 से खत्म करने के बाद वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। पहले वनडे मैच के लिए अफ्रीका के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 भी तैयार हो चुकी है और ऐसे में खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, जिसे सुनकर अफ्रीका के पसीने अभी से छूटने शुरू हो गए। तो आखिरकार पहले मैच के लिए किन किन खिलाड़ियों को टीम में मिली है जगह और किसे दिखाया गया बाहर का रास्ता, किस खिलाड़ी पर है टीम का पूरा दारोमदार, ये सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और केएल राहुल में कौन सबसे खतरनाक वनडे बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भले ही टीम इंडिया को वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में 4-1 से हराकर शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए जीत दर्ज की। फिर ये कारवां साउथ अफ्रीका पहुंचा, वहां पर भी टीम इंडिया ने T20 सीरीज में शानदार वापसी करते हुए सीरीज को 1-1 पर खत्म किया। अब टीम इंडिया की अगली चुनौती अफ्रीका के ही साथ वनडे मैच में देखने को मिलेगा। दोनों टीमें बेहद खतरनाक हैं और टीम में एक से बढ़कर एक खूंखार खिलाड़ी भरे हुए हैं, तो ऐसे में दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। भले ही दोनों टीमों के बीच सीरीज 1-1 पर खत्म हुआ हो, लेकिन खिलाड़ी शानदार फॉर्म में है। आपको बता दें, पहले T20 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था, लेकिन दूसरा T20 मुकाबले में टीम इंडिया को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मगर वहीं तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने 106 रनों से शानदार जीत दर्ज कर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया और इस मुकाबले में अफ्रीकी कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए। भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए भारतीय टीम को 20 ओवर में 200 रनों के पार पहुंचा दिया और इस मुकाबले में सूर्या ने 100 रनों की पारी खेली तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतकीय पारी खेली। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे अफ्रीका बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे ज्यादा देर तक मैदान पर टिक ही नहीं सके और इस मुकाबले में कुलदीप यादव ने कुल 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं रविंद्र जडेजा ने 2 बल्लेबाजों को और टीम इंडिया को 106 रनों से ऐतिहासिक जीत दिलाकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म कर दिया। अब टीम इंडिया की अगली चुनौती साउथ अफ्रीका से वनडे मैच में होने वाली है। पहला वनडे मुकाबला दोनों टीमों के बीच 17 दिसंबर को खेला जाना है। इसके लिए टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है और अभी से प्लेइंग 11 को भी चुन लिया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं पहले वनडे मुकाबले में किन किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मिली है जगह और किसे दिखाया गया बाहर का रास्ता और किसके कंधों पर है टीम की पूरी जिम्मेदारी। टीम इंडिया की कमान अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में केएल राहुल के कंधों पर रखी गई है। ये टीम के कप्तान होंगे। वहीं ओपनिंग करते केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ नजर आ सकते हैं। इन दोनों का भी बल्ला जम कर दहाड़ रहा है। केएल राहुल ने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन दिखाया था, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि दोनों बल्लेबाज अफ्रीका की धरती पर तबाही मचा सकते हैं और ऐसे में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर नजर आ सकते हैं। इनका भी बल्ला पूरे विश्व कप में जम कर दहाड़ा है। अपने शानदार प्रदर्शन से ये करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीते हैं। तो ऐसे में नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर खेलते नजर आ सकते हैं। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम में मौका दिया गया है। संजू लंबे समय से क्रिकेट से दूर थे, लेकिन अब BCCI ने उनको टीम में मौका दिया है। संजू को ना ही एशिया कप और ना ही विश्व कप में खेलने का मौका मिला, लेकिन अब BCCI ने उन पर अचानक भरोसा जताकर टीम में शामिल कर लिया और ऐसे में नंबर 4 पर वो खेलते हुए अफ्रीका की धरती पर नजर आ सकते हैं। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए T20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह नजर आएंगे और ये उनका डेब्यू वनडे मैच भी हो सकता है। अपने बल्ले से T20 में शानदार कमाल दिखाकर करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीता, तो ऐसे में भरोसा जताकर इन्हें वनडे में भी शामिल किया जा सकता है और ये अफ्रीका की धरती पर अपने बल्ले से आग उगल सकते हैं। वहीं ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में अक्षर पटेल, दीपक चाहर और वाशिंगटन सुंदर टीम में नजर आ सकते हैं। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट की भूमिका ये दोनों खिलाड़ी निभा सकते हैं। गेंद और बल्ले से तबाही मचाने में ये दोनों खिलाड़ी माहिर हैं और ऐसे में पहला वनडे में खेलते हुए ये दोनों ही नजर आ सकते हैं। वहीं तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह के साथ साथ आवेश खान टीम में नजर आ सकते हैं। ये तीनों गेंदबाज अकेले दम पर अफ्रीका को बल्लेबाजों का तहस नहस कर सकते हैं और ऐसे में T20 के बाद वनडे में तबाही मचाने के लिए मुकेश और अर्शदीप पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये टीम पहले वनडे मुकाबले में खेलती नजर आ सकती है और अफ्रीका टीम को कड़ी चुनौती दे सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।